बेहतरीन मर्द कौन है? बेहतरीन तो वही है जो अपनी बरतर हैसियत के बिना पर इस हकीकत को ना भूल जाए कि अल्लाह ताला सबसे बरतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के हक में बेहतर है और मैं अपनी औरतों के लिए सबसे बेहतर हूँ। दुनिया में हर कोई चाहता है कि मुनफरिद हो जाए, बेहतरीन हो जाए। बेहतरीन वही है जो बेहतरीन काम करता है, जो अल्लाह की नजर में बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के मकाम के तबार से ये वजाहत की है कि इंसानियत में दोनों बराबर हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जान को काबिल इज्जत बनाया। मर्द और औरत दोनों को अपने अपने आमाल की जजा मिलेगी। अल्लाह के कानून में जैसे मर्द मिल्कियत रख सकता है, औरत भी रख सकती है। मर्द मीरास का हक रखता है, औरत भी रख सकती है। मर्द कानूनी शख्सियत है, औरत भी अलहदा कानूनी शख्सियत है। फिर अल्लाह ताला ने मर्द को निगरान बनाया तो बहसियत कवाम उसे क्या करना चाहिए? औरत के हक में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। अगर कोई औरत मर्द की इंतजामी बड़ाई को ना माने तो मर्द के अंदर इंतकामी जज्बा नहीं उभरना चाहिए। मर्द औरत पर इल्जाम लगाकर बदनाम ना करे, अदल से काम ले और औरत की इस्लाह की कोशिश करे।